नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तराखंड में खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने कनखल स्थित जगत गुरु आश्रम पहुंचकर निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी के प्रथम संन्यास दीक्षा समारोह में शिरकत की और मौके पर मौजूद साधु संतों का आशीर्वाद उन्होंने लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे थे, कनखल में सीएम धामी पहुंचे थे और किस तरह से साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए वो नजर आए। मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है भारत का मान सम्मान, पूरी दुनिया के अंदर बढ़ा है। कोरोना महामारी के समय में भी सारे काम चलते रहे हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर किसी को दो वक्त का भोजन मिले, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। साथ ही साथ कोरोना की जो वैक्सीन है, स्वदेशी वैक्सीन लाने का काम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। इसके साथ साथ सारे जो इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो कोरोना महामारी आने से पहले बहुत कम थे, ऑक्सीजन के बेड नहीं थे, ऑक्सीजन के प्लांट नहीं थे, हमारे यहाँ PPP किटें बहुत कम थी, हमारे यहाँ पर सैनिटाइज़र नहीं थे, मास्क नहीं थे, जितने भी सामान कंसंट्रेटर नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे, उन सब में सैकड़ों गुना की वृद्धि हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है, कोई काम रुका नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने वैष्णो देवी में हुई दुखद घटना पर शोक जताया। को बता दें कि नए साल पर जम्मू कश्मीर के कटरा स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ में 12 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं इसके साथ ही सीएम धामी ने देहरादून में कांग्रेस नेताओं के मौन व्रत पर भी निशाना साधा। दुखद है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, चाहने वालों को, सबको असमय जो इस महा एक कठिन दुख आया है उनके जीवन में, उसको सहने की शक्ति प्रदान करे और भगवान बाकी सभी को, अपना शोक संतप्त परिवारों को भी, हम अपनी तरफ से भी कि सभी को भगवान जो है शक्ति और सहन करने की प्रार्थना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 2.75 लाख छात्रों के लिए निशुल्क टैबलेट योजना की आज GGIC राजपुर रोड में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में शुरुआत की। सभी विधानसभा क्षेत्रों के स्कूलों में ये कार्यक्रम टीवी स्क्रीन के जरिए दिखाया गया। आपको बता दें कि हल्द्वानी में काला ढूंगी रोड से GGCI में टैबलेट बांटे गए। मेयर गजेंद्र पाल सिंह रौतेला ने इस योजना की शुरुआत की। कोरोना महामारी काफ़ी चरम पर थी, चाहे पहली लहर हो या दूसरी लहर हो, उस समय में हमने देखा कि सारे ऐसे छात्र और छात्राएं हैं जो ऑनलाइन क्लासों में भाग नहीं ले पा रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा इस प्रकार का फ़ोन भी नहीं था, इस प्रकार का कोई टैब नहीं था। तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया था कि हमारे जितने भी राजकीय जो विद्यालय हैं और महाविद्यालय हैं, उसमें कक्षा 10वीं में, 12वीं में और महाविद्यालय में पढ़ने वाले सब मिलाकर 2,65,000 छात्र एवं छात्राएं हैं, उन सभी को हम टैबलेट देंगे। तो आज ये टैबलेट देने का हमने आज से शुरुआत कर दिया है। टैबलेट से DBT के माध्यम से 12,000 रुपये सभी के खातों में भेजेंगे और हमारे जो जिलाधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं या ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं, खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उस सभी लोग बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे, छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करेंगे और उनको टैबलेट दिलाने में सहायता प्रदान करेंगे। इससे एक टेक्नोलॉजी और डिजिटल दोनों की भी हमारे यहाँ पर एक बड़ी शुरुआत हुई है और आज साल का नया साल भी है। मैं सभी छात्र एवं छात्राओं को, सभी अभिभावकों को, उनके शिक्षकों को, सबको मैं अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। सितारगंज में जिला पंचायत अध्यक्ष और प्रतिनिधि डॉक्टर सुरेश गंगवाल लगातार क्षेत्र में ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रहे हैं और सभी ग्रामों में जाकर ग्रामवासियों की समस्याएं सुनकर उनकी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश गंगवाल ने सितारगंज के ग्राम भिटौरा में कई घोषणाएं की, जिसमें ग्राम भिटौरा में ईदगाह की 4 दीवारी के साथ ही लगभग 320 मीटर CC मार्ग की घोषणा भी की है।
तो ग्राम भिटौरा से लगभग 100% सभी मुसलमान भाइयों का हमेशा से प्यार रहा है सुरेश भाई के लिए, पहले भी और आज भी तय दिल से सब मुसलमान भाई सुरेश भाई के साथ हैं, भाई को यहाँ से विजय देखना चाहते हैं। बात सच है, ये बात सही है, उनकी दबदबा रहा है और सब उनके साथ भी रहे लोग। सितारगंज विधानसभा क्षेत्र है, विकास से बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र है पूरे जनपद में। यहाँ पर लोगों की बहुत सारी उम्मीदें थी, जो विकास होने थे विकास नहीं हो पाए, लेकिन मैंने जिला पंचायत के माध्यम से थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके 20 साल में जो काम किए हैं और अब जो काम कर रहा हूँ, पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने का प्रयास कर रहा हूँ। आगे आने वाले समय में पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा दिखाई देगी। चलिए अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों की। खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इस बार केजरीवाल 3 जनवरी को देहरादून पहुंचेंगे, जहां से वो उत्तराखंड नव निर्माण के लिए आने वाले नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में आपका दावा है कि वो 3 लाख नव परिवर्तन प्रमुख बनाने के लक्ष्य को लेकर चलेगी। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी है और ऐसे में लगातार इससे पहले आपको बता दें कि 5 बार अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड का दौरा कर चुके हैं और अब एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंच रहे हैं। जानकारी ये है कि 3 जनवरी को केजरीवाल का ये दौरा है। ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। सुभाष, एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल 3 जनवरी को पहुंच रहे हैं देहरादून। पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर और 3 जनवरी को, यानी कि कहा जा सकता है कि नए साल के आगाज के साथ बड़ी विशाल रैली और राजधानी देहरादून में चुनावी मैदान में भी उतरेंगे और एक बड़ी घोषणा और राजधानी देहरादून में फिर करते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि आम आदमी पार्टी पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है, खासतौर से उनका जो फोकस है वो मैदानी क्षेत्रों में है, देहरादून उधम सिंह नगर की जो पूरी तराई वाली बैठ है उन बैठों में वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ते हुए इन क्षेत्रों में नजर भी आ रहे हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है कि घोषणाओं पर घोषणाएं अरविंद केजरीवाल करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। यदि उनका कोई भी विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचता है तो उन घोषणाओं को अपनी विधानसभा में किस तरीके से पूरी करा पाएगा नहीं करा पाएगा ये बड़ी बात है। लेकिन ये जरूर है कि उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल जब भी पहुंचते हैं एक बड़ी घोषणा करके जरूर जाते हैं। इंतजार कर रहे हैं यहाँ की जनता की आखिरकार अरविंद केजरीवाल बिल्कुल सुभाष। और इस बार देखिए कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे तो नव परिवर्तन अभियान की यहां पर वो शुरुआत करेंगे। इससे पहले भी हमने देखा है कि 5 दौरे वो उत्तराखंड के कर चुके हैं, जहां पर महिलाओं के लिए, ऑटो चालकों के लिए और फ्री बिजली आम जनता के लिए, इस तरह के वादे वो करते हुए नजर आए हैं। अब ऐसे में नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत हो रही है तो इसके बाद और क्या कुछ वो इसके साथ करेंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल जब भी देहरादून या उत्तराखंड पहुंचते हैं तो कोई नई योजना के साथ पहुंचते हैं, उसी प्रकार वो राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं तो कुछ नई योजना उनकी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड के लिए जरूर की जाएगी। हालांकि ये उत्तराखंड पहुंचे तो 5 बार उन्होंने प्रदेशवासियों के लिए नई घोषणा की है, चाहे वो ऑटो चालकों के लिए हो या फिर महिलाओं के लिए हो या फिर बेरोजगार जो युवा है उनके लिए हो या फिर पूरे उत्तराखंड में फ्री बिजली देने की बात कही हो, कुल मिलाकर फ्री का जो एजेंडा है वो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कहीं ना कहीं परोसती भी जनता के सामने नजर आती है। और क्योंकि अब वो राजधानी देहरादून पहुंच रहे हैं, परेड मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे तो देखते हैं कि संबोधन में वो किस बड़ी चीजों को, किस बड़े मुद्दों को रखते हैं जो कि जनता के बीच में वो पहुंचेंगे और वो क्या जो मुद्दे हैं, जो घोषणाएं हैं वो जनता को चुनाव में कुछ बदलाव की स्थिति बनाती है, ये भी बड़ी चीज है। लेकिन देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की इस जनसभा में कितना जन जो है वो रैली में पहुंचता है और जन संबोधन को सुनने के लिए पहुंचता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले ये नरेंद्र मोदी इस मैदान पर पहुंचे थे जी, राहुल गांधी इस मैदान पर पहुंचे थे और अब क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मजबूती से उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है तो अरविंद केजरीवाल भी इस मैदान से कहीं ना कहीं अब बड़ी घोषणा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन क्या जनता को उनका उत्तराखंड में इस तरीके का प्यार मिलता है जिस तरीके से दिल्ली में मिला था, या फिर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी कहीं बेहतर प्रदर्शन नहीं
कर पाती है, ये आप देखने वाला समय बताएगा। जी चलिए ठीक है सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंच रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि 3 जनवरी को इस बार अरविंद केजरीवाल का देहरादून में दौरा है, साथ ही परेड मैदान में एक जनसभा होने वाली है और नव परिवर्तन अभियान की शुरुआत अरविंद केजरीवाल यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत, मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा सांसद जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गर्म है, मुद्दा भी गर्म है, तो बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे। अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब, बहुत सारे सवाल इस आंदोलन में। बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहाँ सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता आईएएस अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र आईएएस जैसी एग्जाम की तैयारी या पीसीएस जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे यूपी और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। माय नेम इज हिमानी पाठक एंड आई क्वालिफाई पीसीएस यूके पीसीएस 2012 एंड आई एम करेंटली सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर for cane and sugar department, and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as assistant commissioner state tax with government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना आईएएस पीसीएस का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव आईएएस इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करेंगे कुछ और खबरों का। हरिद्वार में धर्म संसद में विवादित बयान और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मुस्लिम संगठन के सदस्यों ने देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय पर कूच किया। इस दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका, जिसके बाद लोगों ने वहीं बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने पुलिस महानिदेशक से मामले में कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड यूपी के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हरिद्वार में भी मुस्लिम समाज ने प्रदर्शन किया। ज्वालापुर के जटवाड़ा पुल पर एकत्रित हुए लोगों ने पूरे मामले को लेकर शहर कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह कठेर को भी पद से हटाने की मांग की। आपको बता दें कि अपनी किताब में टिप्पणी करने और हाल ही में हुई धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने को लेकर वसीम रिजवी के खिलाफ शहर कोतवाली में मुस्लिम समाज ने 2 मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं।
जैसे जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे ही अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। बात करें विधानसभा पिरान कलियर की, तो स्थानीय लोगों ने कांग्रेस के विधायक रहे हाजी फुरकान अहमद का विरोध किया है। आपको बता दें कि पिरान कलियर में 170 साल पुराना पुल पिछले 4 सालों से क्षतिग्रस्त होने के बाद भी बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया गया था, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने विधायक का काफी विरोध किया। देखिए, पुल को लगभग क्षतिग्रस्त हुए हुए 4-4.5 साल हो गए, तो तब से लेके अभी 3-4 दिन पहले तक ये पुल बंद कर रखा था पत्थर लगा के। अभी जो विधायक के चमचे हैं उनका कहना है कि ये हमने खुलवाया है, क्योंकि जब यहाँ थोड़ा वेल्डिंग वगैरह हो रहा था तो यहाँ आके खड़े हो गए, कहने लगे हम ये करा रहे। चलो मान लो उन्हीं ने कराया, तो मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव अब 2 महीने रह गए, आपने अगर चलो करा ही दिया तो 2 महीने पहले क्यों कराया? राहत मिली है इधर, इनका नाम बहुत राहत मिली है, और मुनीश सैनी जी ने कराया ये काम, हकीमपुर तुर्रा में मुनीश सैनी जी ने कराया, और भी विधायक से बड़े बड़े काम मुनीश सैनी जी ने कराए। कितना साल पुराना पुल था ये? 170 साल पुराना पुल था ये, और 4 साल से ये लगातार बंद है। अब चुनाव का टाइम आया तो हमने मुनीश सैनी जी से अपील करा, तो मुनीश सैनी जी ने ये काम कराया। हमने सुनने में आ रहा है मुनीश सैनी जी ने करवाया, एक दो पेपर में भी इश्तेहार निकला है कि मुनीश सैनी जी ने कराया, उसका क्रेडिट विधायक को हम क्यों दें? कोई बात नहीं, हम सपोर्ट नहीं करते। देखो भाजपा को, हमारे बाबा भाई जो है सुख दुख में लोगों के साथ खड़े रहते हैं, हम बाबा भाई के साथ हैं, जैसा भी बाबा भाई का निर्णय होगा हम बाबा भाई के साथ रहेंगे। बाकी परेशानियां तो यहाँ पे बहुत थी, उनकी सबको ही पता है, मेहमान इधर से घूम के आ रहा है, गाड़ी लेके बेचारे को वापस जाना पड़ रहा है, किसी पे किराए के पैसे, किसी के तेल के पैसे नहीं है। 27 दिसंबर को मंगलौर क्षेत्र में स्थित प्राइवेट अस्पताल में लूटपाट करने आए बदमाश बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर फरार हो गए थे, जिसका पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इसी के साथ ही पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि घटना में प्रयुक्त तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शांता मैटरनिटी हॉस्पिटल मंगलौर 7 डे स्कूल के सामने है। यहाँ पर डॉक्टर प्रीति अरोड़ा इसकी संचालिका हैं, और उनके घर पर, नर्सिंग होम घर दोनों एक ही जगह पे हैं, वहाँ पर इनके यहाँ लूट का प्रयास किया गया था। इनके पिता श्री रविचंद काल्ला को इसमें घायल कर दिया गया था। उसके बाद इसमें 3 बदमाश गिरफ्तार किया गया है, जिनमें परवेज, शहजाद और अफजाल है। अफजाल मुजफ्फरनगर निवासी है, दोनों जो है यहीं के जनपद हरिद्वार के। ऋषिकेश में सफाई व्यवस्था को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने स्वीपिंग मशीन खरीदी है, जो नए साल के मौके पर ही बाजार की सड़कों पर साफ सफाई की व्यवस्था मुकम्मल करने के लिए निकल गई है। नगर निगम की महापौर अनीता ममगाई ने हरी झंडी दिखाकर स्वीपिंग मशीन को रवाना कर दिया है। आपको बता दें कि स्वीपिंग मशीन एक खास टेक्नोलॉजी की मशीन है, जिससे कम समय और कम कर्मचारियों में बेहतर सफाई की जाती है। बिंदु नंबर 1 था ट्रेचिंग ग्राउंड का, यहीं पे इस कूड़े के पहाड़ का निस्तारण करना और नए कूड़े के निस्तारण के लिए नई भूमि लाना, तो आज हम दोनों चीज़ों में कामयाब रहे हैं, जिसमें कि 3 साल नगर निगम के कार्यकाल के पूर्ण हुए हैं, 2 साल कोरोना काल में गए हैं, उसके बावजूद भी हमने कहीं पे भी हार नहीं मानी। जो हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो कविताएं थी कि हम हार नहीं मानेंगे, हम कभी रुकेंगे नहीं, हम कभी हार नहीं मानेंगे, तो उन्हीं को प्रेरणा लेते हुए हम आगे बढ़ते रहे, और आज जो सफलता निश्चित तौर पे हमको मिली है कि आज ये मैदान हो गया, यहाँ पे 40% काम इस कूड़े के पहाड़ के 25-30 सालों से जो कूड़े का पहाड़ बना हुआ था, आज 40% उसमें काम हो गया है, और हम सभी लोग यहाँ पे बैठ भी पा रहे हैं, यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं।
पौड़ी गढ़वाल में राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की तरफ से आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलनकारियों की तरफ से प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य आंदोलनकारियों ने चयन समिति की बैठक न होने पर आक्रोश जताते हुए इसे राज्य आंदोलनकारियों के साथ एक छलावा बताया है। उन्होंने प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से राज्य आंदोलनकारियों को गुमराह किया जा रहा है। वहीं राज्य आंदोलनकारियों को पौड़ी जिला अध्यक्ष कांग्रेस विनोद नेगी ने समर्थन दिया और कहा कि उत्तराखंड हमारे राज्य आंदोलनकारियों के कारण बना है और उन्हीं राज्य आंदोलनकारियों को कड़ाके की ठंड में धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। उत्तराखंड का निर्माण हमने इसलिए किया था कि हम एक सुंदर उत्तराखंड, स्वच्छ उत्तराखंड अपनी जनता को दे सके। उसके लिए हमारे आंदोलनकारियों ने तप किए, जेल में रहे, अपने परिवारजनों को खोया, तमाम उनके साथ कई वाक्य हुए। उसके बाद आज हम लोगों ने ये सोचा था कि कम से कम इस सरकार को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये किस दिशा में जा रही है। मैं इस राज्य के मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड को किस दिशा में ले जा रहे हो, क्या संदेश देना चाहते हैं आप ये उत्तराखंड आंदोलनकारियों के साथ इस तरह का बर्ताव करके। आप जनता के साथ तो छलावा कर ही रहे हैं, आपने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, दुनिया भर के जो भी काम करें उनसे तो आप लिप्त हो रखे हैं। सारी सरकार ने, मतलब जितना भी बोला जाए उतना कम है सरकार के लिए। अधिकारी महोदय जी द्वारा जब हम यहाँ विकास भवन में मिले थे, उन्होंने कहा कि मैडम आप 4 तारीख को लिख के दे दो। हमने 4 तारीख के लिए उनको लिख के दे दिया था कि हमारे यहाँ समिति की बैठक, अभी एक भी मीटिंग नहीं हुई, यहाँ समिति की बैठक 4 तारीख को बैठा दीजिए। जिला अधिकारी महोदय जी को हमने कहा कि हम दूर दराज से, हमारे नैनीडाणा से जगमोहन भाई आ रखे, हमारे कोटार से आ रखे, सतपुली से आ रखे, श्रीनगर से आ रखे, एमकेसुर से आ रखे, सारे लोग यहाँ पे, पूरे जिले के लोग यहाँ पे आ रखे थे। सभी जो राज्य आंदोलनकारी के सदस्य हैं, समिति के सदस्य हैं, उनसे वार्ता किया गया है। दोपहर में भी लगभग 2 बजे से लेकर 4 बजे तक विस्तारपूर्वक वार्ता हुई है। कुछ बिंदु के ऊपर उन्होंने अनुरोध किया था, वो भी हम लोगों ने उनका स्वीकार करते हुए समिति की बैठक कॉल करने का चर्चा हुआ था। उस समय समिति की बैठक हमने 10 तारीख को कॉल कर लिया है। अभी जब शाम को भी इनके साथ वार्ता हुई थी, उनके प्रतिनिधिगण यहाँ पे आए थे, उसमें उनके समिति के अध्यक्ष थे, बेरा भंडारी जी थी और अन्य सभी अधिकार प्रतिनिधिगण थे, इनसे वार्ता हुआ था। उन्होंने अपना 4 तारीख का अनुरोध किया था, बट उस कार्यालय व्यवस्था व्यस्तता होने के कारण मैंने 10 तारीख का तिथि निर्धारित करते हुए बैठक सूचित कर दिया। बिल्कुल, मैं तो ये इसको अपना दुर्भाग्य कहेंगे कि इस तरीके से जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं सरकार को भी चेतने की ज़रूरत है कि अगर इस तरह की मांगें उठ रही हैं तो अपने संज्ञान में ले और इनकी जो भी डिमांड है उसको पूरा करने में अपने कदम बढ़ाएं। और इसके साथ साथ मैं जिलाधिकारी महोदय से भी निवेदन करती हूँ कि वो इसको संज्ञान मिले और इस तरीके से इतनी ठंड में जो ये आंदोलनकारी बैठे हुए हैं, ये उसी तप के बराबर है, तो इनको संज्ञान में लेके इनकी जो भी मांगें हैं वो पूरी कर लें, उनकी मीटिंग रखी जाए आचार संहिता से पहले। चंपावत के सूखी ढांग इंटर कॉलेज में चल रहा भोजन माता विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है। विद्यालय में एससी वर्ग की महिला सुनीता देवी ही अब विद्यालय में भोजन माता होंगी। एसएमसी और पीटीए की बैठक में सर्वसम्मति से सुनीता देवी को भोजन माता के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। वहीं सुनीता देवी के खिलाफ अपमानजनक जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोप में सूखी ढांग पुलिस ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। लोकल में एक विज्ञप्ति निकाल करके भोजन माताओं की इच्छुक महिलाओं से आवेदन मांगे थे, जिसमें 11 महिलाओं ने आवेदन किए थे। 6 सामान्य वर्ग की थी और 5 एससी वर्ग की महिलाएं थी। जब सब आवेदन हमें प्राप्त हो गए तो हमने एक यहाँ पर कमेटी गठित की विद्यालय की तरफ से, 4 टीचर्स की, उन फार्मों को अवलोकन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए कौन पात्र है कौन इसमें पात्र नहीं है। उन लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई और मुझे सौंपी, जिसमें उन्होंने 2 महिलाओं के नाम दिए और उसमें प्रथम वरीयता के रूप में सुनीता देवी का नाम उन्होंने अपनी संस्तुति सुनीता देवी के नाम से की। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने गदरपुर में राज्य में पहला अक्षय पात्र के किचन का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि ग्लोबल कस्टमर एक्सपीरियंस सर्विसेज और प्रौद्योगिकी कंपनी की तरफ से उत्तराखंड में प्रथम अक्षय पात्र किचन का निःशुल्क शुभारंभ हुआ है। किचन के जरिए हर दिन 15,000 बच्चों के लिए भोजन तैयार किया जाएगा।
आज के इस भव्य आयोजन में मैं अपने क्षेत्र के यहाँ के पूर्व सांसद माननीय बलराज पासी जी का धन्यवाद दूंगा, ताकि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और उन्होंने पूरा इसके बारे में उनके पास पूरी विधिवत जानकारी थी और उनके दिशा निर्देशन में हमने मिड डे मील की व्यवस्था को ठीक करने के लिए और बच्चों को एक गुणवत्ता युक्त भोजन देने के लिए हमने अक्षय पात्र किचन की स्थापना की और मैदानी जिलों में लगभग सभी जगह हम बना गए, लेकिन प्रदेश की ये पहली किचन है। मैं इसकी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, क्योंकि हमारे क्षेत्र के लिए और विद्यालय शिक्षा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारी जो कोशिश है और जिस उद्देश्य के लिए किया है भगवान अक्षय पात्र जो हमारे इस्कॉन की जो संस्था है इनकी ईश्वर मदद करे और इनकी बहुत अच्छी पहचान है। एक ओर कोरोना के बढ़ते आंकड़े और दूसरी तरफ ओमिक्रॉन का खौफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इतनी बड़ी बीमारी के बीच जहां हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त होनी चाहिए थी, वहीं पहाड़ों में अस्पताल बिन डॉक्टरों के रेफर सेंटर बने हुए हैं। इसी बीच कर्णप्रयाग अस्पताल से दो विशेषज्ञ डॉक्टर के तबादले हो गए हैं। डॉक्टरों के स्थानांतरण को रोकने के लिए स्थानीय लोगों ने कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। कर्णप्रयाग के अस्पताल में जो सर्जन थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उससे पहले चार दिन पहले जो यहाँ डेंटल सर्जन थे उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया है। कर्णप्रयाग के अस्पताल में फिजिशियन नहीं, बच्चों के डॉक्टर नहीं, हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं, रेडियोलॉजिस्ट नहीं। तो एक तरह से इस प्रदेश की सरकार यहाँ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ कर रही है उसके खिलाफ ये प्रदर्शन था। हाँ सर, मुझे ये चाहिए कि मुझे डॉक्टर का स्थान होना कोई वो नहीं है, पर मुझे डॉक्टर की जगह पर डॉक्टर चाहिए। मेरा कहना यही है कि यहाँ पे जो डॉक्टर स्टाफ है पहले से रोज हर वक्त ऐसे हो रहा है कि हमारे यहाँ कर्ण प्रयाग से हर वक्त ट्रांसफर हो रहा है डॉक्टर क्यों हो रहा। मुझे मुख्यमंत्री को अवगत कराना है कि यहाँ के डॉक्टरों का ट्रांसफर न किया जाए। अगर ट्रांसफर किया जाता है तो उसी जगह पर डॉक्टर दिए जाए, नहीं देने पर हम पूर्ण रूप से सम्मोह करेंगे, हड़ताल करेंगे। मैंने के अंदर अभी ये चौथे डॉक्टर का भी यहाँ से स्थानांतरण हो गया है और दुर्भाग्य की बात है कि जिस भी डॉक्टर का यहाँ से स्थानांतरण हो रहा है उसके जगह पर किसी दूसरे प्रतिष्ठान को नहीं स्थापित किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य की बात है और आने वाले चुनाव के अंदर हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे युवा राज्य और युवा नेतृत्व की जो बात कर रही है उनका जो नेतृत्व है वो बहुत ही खोखला है और अनुभवहीन है। और डॉक्टरों के तबादले इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि आने वाले समय के अंदर जनता में जो आक्रोश है वो इस सरकार को उखाड़ करके फेंकेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।